अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। हुकूमत का एनआरओ अमल दरामद केस में 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने पर खौफ। चीफ जस्टिस की फैमिली को बदनाम नहीं होने देंगे अरसलान इफ्तखार। नजरसानी दरख्वास्त की समाप्त के दौरान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के रिमार्क्स। रहमान मलिक ने कहा है कि जाली पासपोर्ट स्कैंडल पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, तहकीकात कर रहे हैं। वजीर खजाना ने कहा है कि अदम मसावात की वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से आज भी मसाइल बरकरार हैं। और मुसलमानों के लिए शानदार इजाद, किबला रुख पर रोशन होने वाली जाय नमाज तैयार। अब तक के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dunyanews.tv।